r-Rahman Rahim Assalamu Alaikum dear students myself Dr Saeeda Noreen and I'm back with another important lecture of electromagnetism today let's watch The topic of discussion today is galvanometer गिलवेनोमीटर uh, में सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज अ गिलवेनोमीटर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी पास uh, पेपर्स में आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो आपने ध्यान से जिस तरह मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आपने उस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन हेडिंग बना के उसमें क्या होता है व्हाट इज अ गिलवेनोमीटर अगिलवेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट यानी बेसिकली करंट को अगर आपने कहीं पर डिटेक्ट करना हो कि कहीं से किसी सर्किट से करंट फ्लो कर रही है या नहीं फो फ्लो कर रही तो उसके लिए आप गलवेनोमीटर को यूज करते हैं ये जस्ट यूज होता है टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्कट क्योंकि अगर करंट को मैयर करना हो तो फिर एम मीटर जो है वो हम यूज़ करते हैं जो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गलवानोमीटर तो बेसिकली गोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल करंट uh, को जो है वो डिटेक्ट uh, करने के लिए काम आता है इन एनी सर्किट उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ग्लवेराीटर इट्स वर्किंग डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ये जो आपने कल पढ़ा अभी रिसेंटली के जो प्रीवियस लेक्चर में ये जो टॉर्क कोना करंट कैरिंग कंडक्टर है Okay, कि, कि, किसी किस तरह से करंट कैरिंग ऑयल के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है ये उसी का ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इन करंट कैरिंग ऑयल वही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है गलवेनोमीटर का सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इट जो है ऑफ गलवेनोमीटर वो ये है कि इज़ द टॉर्क इट्स वर्किंग डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट अ कंडक्टर इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस इज अ फोर्स एज सोन एज द करंट थ्रू इट ड्यू टू दिस फोर्स अ टॉर्क टॉ एक्ट्स अपॉन द कंडक्टर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ और अ लुप चाहे वो कॉयल की फॉर्म में हो चाहे लुप की फॉर्म में हो करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब आप उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जैसे आपने ये देखा था तो ये कॉयल की रोटेशन होती है और वो जो रोटेशन ऑफ द कॉयल है वो टॉर्क को काज करता है ना टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो ये ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है गलवानोमीटर का और आपने ये रिलेशन कल निकाली थी टॉय इज इक्वल टू तो आई बी ए कॉज ऑफ एल्फा और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स आप इसके साथ लगा दें इफ देर आर हम एक कॉल की अगर बात ना करें इफ देर आर नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसके साथ कैपिटल एन की फॉर्म जो है वो भी आ जाएगी वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉल ए इज द एरिया कैपिटल आपको पता एरिया ऑफ द कोईल है आई इज द करंट पासिंग थ्रू थ्रू इट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कोईल इज प्लेस सच दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ बी और वो अल्फा आपको पता है कि वो एंगल होता था जो आपकी जो कपल था जो मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स था यानी जो कपल्ड uh, फोर्स थी उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस था वो ए था ना तो और वो जो ए जो मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स थी वो जो एंगल बनाती थी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल वो अल्फा होता था तो हमारे पास हम कहते हैं अल्फा वो एंगल है जो आपकी प्लेन एंगल में बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इस तरह थी ना लॉन्ग एक्स एक्सिस तो अल्फ़ा वो एंगल था जो लॉन्ग एक्स एक्सिस था और एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी तो बेसिकली अल्फा जो है आ, वो एंगल ऑफ द प्लेन था विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो ये आपने सबसे पहले ये दो मेन पॉइंट्स थे कि पहले आपने उसको डिफाइन करना व्हाट इज गलवेनोमीटर उसके बाद आपने बताना है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गलवेनोमीटर अभी तक इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो कंटिन्यू है तो यहां से आपने स्टार्ट करना है वर्किंग प्रिंसिपल ड्यू टू द एक्शन ऑफ द टॉर्क द कॉल रोटेट्स टॉर्क की वजह से कॉयल रोटेट करता है एंड थर्स इट डिपेंड डिटेक्ट्स द करंट और वो जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो वो जब कॉयल रोटेट करता है तो वो करंट को डिटेक्ट कर जहां तक उसका वर्किंग प्रिंसिपल है ठीक है कि याद रखें कि जो करंट uh, कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग कॉयल है uh, उसके अंदर जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है या जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है वही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है ग्लवेनोमीटर का ठीक है अब आगे हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के ऊपर अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक यही वो करंट कैरिंग कॉयल की सिचुएशन इन्होंने बनाई है इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मूविंग कॉयलगन वेनोमीटर अब ये हमारे पास एक मूविंग कॉयलगल वेनोमीटर है जो आपको नजर आ रहा है जिसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में और ये बीच में रेक्टेंगुलर कॉयल है या सिलेंडर है डी और ये जो ये इसके ऊपर ये मिरर लगा हुआ है एम कैपिटल एम क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो फिर वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से जो रिफ्लेक्शन लाइट की रिफ्लेक्शन होती है वो कैसे कैलकुलेट कर सकती है डिफ्लेक्शन को कितनी डिफ्लेक्शन हुई है अच्छा अब ये ये दिस इज द मूविंग कॉयल गोमीटर और यहां पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में आ रेक्टेंगुलर कॉयल सी ये सी एक रेक्टेंगुलर कॉयल है इज सस्पेंडेड बिटवीन द कंकेव शेप्ड पोल्स एन एंड एस यानी ये कनकेव शेप पोल्स हैं दो पोल्स हैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल तो कनकेव शेप्ड है ठीक है और ऑफ अ यू शेप्ड मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ फाइन मैग्नेटिक सस्पेंशन वायर और आपने एक फाइन ये मैग्नेटिक सस्पेंशन वायर है ठीक है और ये कॉल उससे जो है वो हैंग हुआ हुआ है एक मैग्नेटिक सस्पेंशन फाइन मैगनेटिक मेटेलिक सस्पेंशन वायर से ये कॉल आपका हैंग है द रेक्टेंगुलर कॉयल इज मेड ऑफ एनेमल्ड कॉपर वायर ये जो कॉयल है ये कॉपर वायर से बना हुआ है इट इज बाउंड ऑन फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इसको आपने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी ऐसा जो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती कोई आप इंसुलेटर ले सकते उसके ऊपर आपने इसको उसके फ्रेम के ऊपर इस कॉयल को आपने लगाया हुआ बाउंड किया हुआ या टर्स दिए हुए इसको द सस्पेंशन ऑफ द वायर एफ इज ऑल्सो एज वन करंट लेट टू द कॉयल यानी एक करंट इसमें से फ्लो करेगी द अदर टर्मिनल ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड टू द लूजली वोन्ट स्पाइरल ई विच सर्व एज द सेकंड करंट लीड और जिसमें से सेकेंड करंट लीड ये होगी ठीक है तो दो तरफ से क्योंकि करंट सप्लाई भी आपने करनी है ना द अदर टर्मिनल ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड लूदी वोर्सली विच करंट लीड अ सॉफ्ट आर इन सिलेंडर डी इज प्लेस्ड इन साइड द कोयल टू मेक इन साइड द कॉयल टू मेक द फील्ड रेडियल एंड स्ट्रांग नियर द कॉयल और ये जो uh, सिलेंडर का, का काम यह है कि वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉयल में से जब करंट फ्लो करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग और रेडियल बनाएगी यानी सीधी लाइन्स को सीधा करेगी और स्ट्रांग करेगी तो यह इसकी सारी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी इस मूविंग कॉयल गल मेनोमीटर की अब ये किस तरह से ये construction थी अब working देखें कपल विच टेंट जब करंट इसमें से फ्लो करेगी तो कॉयल क्या होगा उस कपल में यानी दो फोर्सेस होती है ना एक एक तरफ से नॉर्थ और साउथ पोल से दो फोर्सेस होंगे एक तरफ से आउटवर्ड और दूसरी तरफ से इनवर्ड तो उन कपल्ड फोर्स की वजह से कॉयल जो है वो रोटेट करेगा दिस कपल इज नोन एज अ डिफ्लेक्टिंग कपल आप इसको डिफ्लेक्टिंग कपल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं और ये डिफ्लेक्टिंग अच्छा जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो वर्किंग में आप याद रखें जब आपने मूविंग कॉयल को वेरोमीटर लिया और इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ऐसी सिचुएशन में दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं एक होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क और दूसरा होता है रीस्टोरिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग कपल टॉर्क को आप कपल भी कह सकते हैं तो एक डिफ्लेक्शन टॉर्क है और दूसरा रीस्टोरिंग टॉर्क है अब डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो डिफ्लेक्ट करता है कॉयल को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है या रीस्टोरिंग कपल है वो पीछे की तरफ यानी जब आप कॉयल करंट फ्लो नहीं करती तो कॉयल ने वापस रोटेट करके अगर पहले आप वो कॉयल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था ड्यू टू द रिफ्लेक्शन टॉर्क तो ड्यू टू द री टॉर्क कॉयल ने वापस आना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके जितने टर्न्नस उसने पहले आगे की तरफ लिए थे उतने ही टर्न उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके री कपल या री टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करानी है तो ये इसकी वर्किंग में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक तो होगी डिफ्लेक्शन टॉर्क और वो वो टॉर्क होगी जो आपने बताया है जो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है ग्लवानोमीटर का या जो आपने कल वो जो टॉर्क कैलकुलेट की थी वो आपकी डिफ्लेक्शन टॉर्क है जो कि डिफ्लेक्शन काज करेगी इन अ करंट कैरिंग कॉयल और वो डिफ्लेक्शन टॉर्क इसके इक्वल होगी एन आई बी ए अगर कॉज ऑफ अल्फा मैक्सिमम हो जाए आपको पता है कॉज ऑफ एल्फा तब मैक्सिमम होता है अगर एल्फा जीरो हो कल हमने वो सिचुएशन देखी थी कि कब वो टॉर्क मैक्सिमम आ रही थी जब एल्फा जीरो था कॉज जीरो वन के इक्वल था तो तब आपके पास जो डिफ्लेक्शन कपल है या जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो एन आई बी ए के इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगी ठीक है इफ़ कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो एज द कोयल टर्न्स अंडर द एक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन कपल या डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से कॉल जब नंबर टर्नस उसने लिए द सस्पेंशन वायर इज ट्विस्टेड वो ट्विस्ट होगी एंड गिव राइज टू द टॉर्शनल कपल और इसमें टॉर्शनल कपल जो है या टॉर्शनल टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा इट टेंड्स टू अन ट्विस्ट द सस्पेंशन एंड रीस्टोर द कोयल टू इट्स ओरिजिनल ये ऐसे ही है ओरिजिनल पोजिशन ये ऐसे ही है जैसे अगर आपको पता हो जैसे आप किसी जगह पर किसी आ, आ, वायर को ऐसे टर्नस देते हैं ना तो फिर क्या होता है ये जो झूला है वो अगर हैंग हुआ होता है और आप हैंगिंग चीज़ को जब टर्न्स देते हैं तो आप किस तरह से करते हैं जब आप उसको छोड़ते हैं तो उसने वापस अपनी वो टर्न्स जितने आगे की तरफ लिए होते हैं उसने दोबारा वो टर्न्स पीछे की तरफ खोल के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना होता है इसी तरह से अब जब आप ये जो कॉयल जब रोटेट करेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसमें से करंट फ्लो करेगी तो पहले तो वो डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से उसमें जो है वो आगे की तरफ ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसको हम टॉर्शनल जो है कपल कहते हैं टॉर्शनल कपल अब उन टॉर्शनल कपल को अनट्विस्ट टुस्ट आपने कराना है यानी वापस उसको टर्न्स खोल के वो अपनी पोजीशन पे और वो आपने नहीं कराना वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा ड्यू टू द रीस्टोरिंग टॉर्क तो इट टू अनट्विस्ट द सस्पेंशन एंड री द टॉर्क टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन दिस कपल इज नोन एज रीस्टोरिंग कपल जिसको हम रीस्टोरिंग कपल या रीस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के थीटा क्या चीज है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अब सी इसमें कॉन्स्टेंट है बेसिकली आप इसमें एक्स्ट्रा स्टेप एक स्टे ऐड कर सकते हैं कि आपका जो रीस्टोरिंग टॉर्क है या जो रीस्टोरिंग कपल है वो रीस्टोरिंग टॉर्क वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के वेयर थीटा जो है वो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को शो करता है ठीक है तो अब आप अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को खोलेंगे तो आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू सी थीटा ये सी थीटा के को आ जाएगा वे सी इज अ कॉन्स्टेंट और ये आपने कहाँ से निकाला है वो बेज द हुक्सला हुक्सला आपको कहता है ना कि अगर आगे किसी जगह पर ट्विस्ट है तो री स्टोरिंग टॉर्क उसको वापस री स्टोर करता है टू द ओरिजिनल पोजिशन और द मेन पोजिशन तो ये वही हुक्सला को बेकार है और हमने री स्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू भी निकाली अब ये दोनों तरह के टॉर्क आपके पास मौजूद है एक डिफ्लेक्शन टॉर्क है विच इज यूज टू ट्विस्ट द कॉयल विद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉयल के अंदर और अकॉर्डिंग टू हुक्सला द ट्विस्टेड कॉयल शुड भी अन ट्विस्टेड वो अन ट्विस्ट होगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग कपल की वजह से और वो इक्वल होगा रिस्टोरिंग टॉर्क शुड भी प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड सो जब हम इसको खोलेंगे सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा वेयर कॉन्स्टेंट सी ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द वायर इज नोन एज टॉर्शनल कपल और ये जो कॉन्स्टेंट सी है इसको आप क्या कह रहे हैं टॉर्शनल कपल एंड इज डिफाइंड एज द कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट यानी एक ट्विस्ट के लिए जो फोर्स एक्ट हो रही है उसके उसको हम कहते हैं टॉर्शनल कपल तो ये टॉर्शनल कपल की उन्होंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि टॉर्शनल कपल किसको कह रहे हैं सी को ये कांस्टेंट सी आर ऐसे टॉर्शनल कपल कह रहे हैं उसको आप डिफाइन करते हैं कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट यानी एक ट्विस्ट के लिए जो कपलिंग फोर्स होती है उसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ यूनिट ट्विस्ट अच्छा उसके बाद इन दोनों टॉर्क्स की प्रेजेंस में यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क शुड भी इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क ये दोनों टॉर्क्स आपस में इक्वल होनी चाहिए यहां पे हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया और इन दोनों की वैल्यूज डाल दी एन आई ये बी ए शुड भी इक्वल टू सी थीटा और यहाँ से करंट जो है वो इक्वल होगी सी ओवर ये एन बी ए ये दोनों टर्म्स यहाँ जो तीनों टर्म्स जो इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड होंगी और साथ ही थीटा अब ये फॉर्म बन गई अब ये इसका मतलब है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एस सी ओवर बी ए ए एन इज कॉन्स्टेंट यानी सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट था आपको पता है जिसको आप टर्सनल कपल कह रहे थे जो कि कपल फॉर द यूनिट ट्विस्ट था लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको सप्लाई की थी वो भी तो कांस्टेंट है ना आपको पता है कि आपने कितने टेस्ला की टेन टेस्ला फाइव टेस्ला थ्री टेस्ला जितनी भी आपने मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई की थी वो कांस्टेंट वैल्यू थी उसके बाद एरिया ऑफ द कायल वो भी चेंज नहीं हो सकता आपने एक ही कॉयल लिया हुआ उसका एरिया बार बार चेंज तो नहीं होगा ना तो एरिया ऑफ द काइल भी कांस्टेंट क्वांटिटी है और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द काइल यानी कितने टर्न्स आपने उसको दिए थे वो भी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है ना कि आपने कितने नंबर ऑफ टर्न्स उसको दिए हुए हैं वो बार बार आप चेंज तो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि ये जो सी ओवर बी ए एन है ये भी कॉन्स्टेंट है और ये अगर पूरी टर्म ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थीटा यानी जितनी करंट फ्लो करेगी इस कॉयल में से उतनी ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी और थीटा आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ना तो आपका जितनी करंट फ्लो करेगी उतने एंगल से डिफ्लेक्शन होगी यानी जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है करंट के जितनी करंट फ्लो कराएंगे जो गलवेनोमीटर का जो कॉयल है वो उतने ही एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा उसका जो थीटा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वो करंट के प्रपोशनल है थाज द करंट पासिंग थ्रू द काइल इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इस इसका मतलब है कि करंट जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये उन्होंने नॉर्थ से साउथ उसमें दिखाया हुआ है कि आपका जो मूविंग कॉयल गलवानोमीटर है आ, ये उसके कनकेव कनकेव पोल्स का मतलब ये देखिए अंदर की तरफ है आपको पता है कन्वेक्स अगर पोल्स हों तो वो इस तरह बाहर की तरफ होते हैं कनकेव पोल्स कहने का मकसद है कि ये अंदर की तरफ उनके इस तरह से पोल्स हैं और सॉफ्ट आयरन सिलेंडर था आपने जैसे कि ऊपर बताया और उसके ऊपर उन्होंने आपने कॉयल को uh, की वाइंडिंग की हुई थी और ताकि वो फील्ड को किस तरह से बनाए रेडियल और स्ट्रॉगल ये देखें सीधी ये नॉर्थ पोल से एंटर हो रही है और साउथ पोल से एग्जैक्ट एग्जिट कर रही है और रेडियल यानी सीधी लाइंस हैं और स्ट्रोंगल फील्ड जो है वो इसने प्रोड्यूस की है ठीक है तो ये उसकी उन्होंने बता दिया आपको कनकेव पोल्स के बारे में भी कि कनकेव पोल्स किस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल अच्छा अब ये दो तरह की अरेंजमेंट आपके अब हमने चूंकि हमने बात कर ली है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा के तो आपके यूजअली जो है दो तरह के मेथड्स हम यूज़ करते हैं इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है एक तो होता है लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट और ज़्यादातर जो आपकी लैब्स वगैरह में यूज़ होता है ग्लवानोमीटर वो होता है पिविट टाइप ग्लवेनोमीटर तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट भी यूज़ की जा सकती है एंगल थीटा जो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए लेकिन वो पहले यूज़ की जाती थी अब जो रिसेंटली जो मॉडर्न गिलवेनोमीटर्स जो आपके यूज किए जाते हैं कॉलेजेस uh, में स्कूल्स की लैब्स में वो पीविट टाइप गिलवेनोमीटर यूज किए जाते है। उन तो हैं उनमें भी थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले आ जाए लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट अब लैम्पर्ड स्केल अरेंजमेंट में देर आर टू मेथड्स कॉमनली यूज फॉर ऑब्जर्विंग द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द कॉयल इन सेंसिटिव गलवेनोमीटर्स अभी हम आगे चाहिए अगले पैराग्राफ्स में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेंसिटिव गलवानोमीटर सेंसिटिव गलवानोमीटर अच्छे गलवेनोमीटर्स होते हैं वो गलवेनोमीटर जिनमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर पास करे तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते हैं ठीक है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व बाय द मीनस ऑफ स्मॉल मिररर अटैच टू द कॉय विद द लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट जो आपको मिररर एम नज़र आ रहा है इस मिररर एम का काम ये है इस lamp, इसको लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ स्केल लगाया हुआ है स्टैंड के साथ और एक तरफ लैंप लगाया हुआ है यानी लाइट है अब लाइट जब फॉल करेगी इस मिरर एम के ऊपर तो क्या होगा रिफ्लेक्ट करेगी लाइट मिररर से और रिफ्लैक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट कहाँ फॉल करेंगी इस स्केल के ऊपर इस स्केल के ऊपर रीडिंग्स नहीं होती हैं यानी ऑलरेडी ये आपका एक स्केल है जिसके ऊपर रूलिंग्स हुई हुई हैं के कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर का वो स्केल है तो जब आप इस इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करके स्केल पे पड़ेगी तो जो जितना डिस्प्लेसमेंट लाइट कवर करेगी ये जो फासला लाइट कवर कर रही है पहले यहाँ से यहाँ जा रही है मिरर के तरफ फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर स्केल की तरफ तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा के डिस्प्लेसमेंट द लाइट कवर शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि लैंप एंडलर ऑफ फ्लाइट फ्रॉम द लैम्प इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर ऑफ द गैल्वेनोमीटर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट अ स्पॉट ऑन अ ट्रांसलूसेंट स्केल ट्रांसलूसेंट कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है एक तो होता है ना ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास कर जाए तो स्केल ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना ट्रांसलूसेंट कहते हैं उस चीज को जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती तो ट्रांसलूसेंट स्केल के ऊपर फॉल करेगा प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम द गवेनोमीटर और उसको आपने गलवेनोमीटर से एक मीटर के फासले पर रखा हुआ है वैन द कॉयल रोटेट्स द मिर अटैच टू द कोयल ऑल्सो रोटेट तो जब ये कॉयल रोटेट करेगा तो जो इसके साथ मिरर अटैच्ड है वो भी तो रोटेट करेगा ना जब करंट पास करेगी यानी बाकी सारी अरेंजमेंट वही है जो आपने पीछे पढ़ी है अभी मूविंग कॉयलगर वायनोमीटर में तो ये मूविंग कालगल वायनोमीटर की अरेंजमेंट है जैसे रोटेट करेगा जब करंट पास करेगी विद इन द मैग्नेटिक फील्ड तो ये मिरर एम मूव करेगा और फिर रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन के नतीजे में एक स्पॉट आएगा उस ट्रांसलूसेंट लूसेंट स्क्रीन के ऊपर

तो जितना फासला है उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा प्रोवाइडेड यानी शर्त यह है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन स्मॉल हो तो ये वो उन्होंने बताया एक मीटर के फासले पे आपने उसको लैंप से रखा था ना तो ये आपका वही जो अरेंजमेंट आपने पीछे पड़ी है मूविंग कॉयल ग्रवाना की वो यहाँ पे लगा वो तकरीबन तो एक मीटर के फासले पे है लैंप से लैंप से लाइट जब मिरर के ऊपर फॉल करेगी जैसे ही कॉयल रोटेट करेगा करंट फ्लो करने की वजह से तो क्या होगा विद इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो साथ साथ मिरर भी जब रोटेट करेगा तो इस तरह से उसकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके स्केल के ऊपर उसके जो स्पॉट्स हैं स्केल के ऊपर वो मूव करेंगे कॉयल की रोटेशन के साथ साथ और फिर जितना फासला लाइट कवर कर रही है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा तो ये इसको कहते हैं लेम्प एंड स्केल अरेंजमेंट दूसरा तरीका जो मैंने कहा कि गलवानोमीटर ज़्यादातर जो यूज़ होता है आपके स्कूल एंड कॉलेज लेबॉटरीज में वो पिविटेड टाइप गलवानोमीटर इसको कहते हैं पिविटेड टाइप गलवानोमीटर पिविटेड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ये जो नीडल है ना एलुमिनियम की बनी होती है ये पॉइंटर जो होता है ये पॉइंटर एक तरफ से पिविटिड है यानी फिक्स्ड है और दूसरी तरफ से पॉइंटर जो है वो रोटेटेबल है यानी वो रोटेट कर सकता है

एक तरफ से पुविटेड किया हुआ है और ये बीच में उन्होंने आयरन कोर दिखाया हुआ है ये परमानेंट मैग्नेट है ठीक है जिसके अंदर आपने ये सारी अरेंजमेंट रखी हुई है जब करंट फ्लो करेगी तो आपको पता है रखे बगैर तो डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती ना तो आप अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं तो जब करंट फ्लो करती है तो ये नीडल जो है वो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो रोटेट कर सकती है और वो जितना रोटेट करेगी उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है आप उसका उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये इसकी अरेंजमेंट है पिविटेड टाइप गलवेनोमीटर की इन दिस टाइप ऑफ द द कॉल इज पिविटेड बिटवीन द टू ज्वेल्ड बेयरिंग्स जो कॉयल है वो पिविट किया हुआ है दो ज्वेल्ड बेरिंग्स अपर स्प्रिंग और लोअर स्प्रिंग के दरमिया में स्प्रिंग के साथ उसको लगाया हुआ है द रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय द टू हेयर स्प्रिंग्सो सर्व एज द करीड्स तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होगा दो हेयर स्प्रिंग्स से जिसको आप करंट लीड्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं अ लाइट अल्मीनियम अटैच टू द कॉल विच मूव ओवर अ स्केल और बिल्कुल हल्का सा अल्मोनियम uh, का जो प्वाइंटर है वो अटैच किया हुआ ताकि वो इजिली रोटेट कर सके क्योंकि अगर आप कोई हैवी पॉइंटर लगाएंगे तो वो तो रोटेट ही नहीं कर सकता ना तो आपने लाइट सा अल्मोनियम प्वाइंटर लगाया ताकि जरा सी करंट भी फ्लो करे तो वो अच्छे सेंसिटिव गलमेनोमीटर की तरह उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करे और आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा जो है वो आप कैलकुलेट कर सके तो ये दो मेथड्स थे एक लैम्पेड स्केल अरेंजमेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया उससे आप कैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और प्यूटे टाइप गलवानोमीटर जो ज़्यादातर आपके लैब्स में होता है उससे आप किस तरह से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अब मैंने आपको चूंकि ऊपर बताया था कि हम नीचे दो तरह के बेसिकली गलवानोमीटर जो है अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा गलवानोमीटर कौन सा होता है और बुरा गलवानोमीटर कौन सा होता है तो बेसिकली दो तरह के गलवानोमीटर एक होता है सेंसिटिव गलवानोमीटर और एक होता है डेट बीट गिलवानोमीटर दोनों को हम बारी बारी पढ़ते हैं कौन से दो तरह के मैंने आपको बताए इधर आप साइड पर लिख सकते हैं एक मैंने आपको कहा है जो अच्छा वाला गलवेनोमीटर है वो कौन सा होता है सेंसिटिव सेंसिटिव गलवेनोमीटर और दूसरा जो गलवेनोमीटर है वो क्या होता है आपके पास डेड बीट गलवेनोमीटर डेड बीट और इसको आप स्टेबल भी कह सकते हैं स्टेबल गलवेनोमीटर इनको अब हम बारी बारी देखने लगे कि सेंसिटिव गलवानोमीटर किसको कहते हैं और डेड बीट गलवेनोमीटर या स्टेबल गलवानोमीटर जो है वो हम किसको कहते हैं ये दो पॉइंट्स अब आप इधर बनाएंगे सेंसिटिव गलवानोमीटर के लिए मैंने एक पॉइंट नंबर वन बना दिए और आगे नेक्स्ट पेज पे फिर हम डेड बीट को भी पढ़ लेते हैं तो सेंसिटिव और अच्छा गलवानोमीटर इन दोनों में से कौन सा सेंसिटिव सेंसिटिव गलवानोमीटर जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि वो गलवेनोमीटर होता है जिसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर फ्लो करती है तो उसकी ये जो पिविटेड नीडल है ये उसके लिए लार्ज डिफ्लेक्शन शो करती है स्मॉल इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है अगर फ्लो करती है तो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करती है बाय द पिविटेड नीडल से तो ये होता है सेंसिटिव गलवानोमीटर और लार्ज डिफ्लेक्शन थीटा शुड बी लार्ज फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो सेंसिटिव गो अगर आप बनाना चाहते हैं अपने गलवानोमीटर को मोर सेंसिटिव क्योंकि आपको तो ये चाहिए ना कि डिफ्लेक्शन थीटा आप निकालना चाहते हैं ना तो आप अपने गिलवाइनोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव अगर बनाना चाहते हैं कि टू गिव ये आगे उसकी डेफिनेशन बताई हुई जो मैं आपको कह रही हूं ये ब्रैकेट के अंदर कि टू गिव लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन करंट यानी कि एक करंट के लिए या स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन वो आपको दे उसको कहते हैं सेंसिटिव ग्लवानोमीटर ये इसकी डेफिनेशन है कि वट इज सेंसिटिव गलवानोमीटर अब वो कैसे बन सकता है आप जरा पिछली अपनी कैलकुलेशन पे आए अगर इसमें क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि करंट इज डायरेक्टली पोर्शन टू थीटा तो हम चाह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन ज्यादा है डिफ्लेक्शन ज्यादा तब आएगी जब करंट ज्यादा फ्लो करेगी क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो कब होगा जब ये जो टर्म है सी ओवर बी ए एन जो कि आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है इफ इट इज स्मॉल अगर आप इस टर्म को स्मॉल करेंगे तब आपकी ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी फॉर गिवन करंट ठीक है तो आप किस तरह से सी ओवर बी एन को स्मॉल कर सकते हैं इस कांस्टेंट टर्म को अब ये कांस्टेंट टर्म दो तरीके से स्मॉल हो सकती है एक तरीका तो ये है कि सी को स्मॉल कर दें आपको पता है न्यूमिनेटर के ऊपर जो टर्म होती है अगर वो स्मॉल हो तो पूरे जो टर्म होती है वो भी स्मॉल हो जाती है तो आप सी को स्मॉल कर सकते हैं या फिर जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है न्यूमिनेटर की टर्म को स्मॉल करें तो होल टर्म स्मॉल हो जाती है तो जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है डिनोमिनेटर में थ्री टर्म्स हैं आपके पास एक तो मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया ऑफ द कॉयल ए एंड नंबर ऑफ टर्नस एन अगर इन तीनों को आप स्मॉल लार्ज कर दें स्माल करने से तो वो बड़ा हो जाएगा ना अगर इन तीनों को आप लार्ज कर दें यानी मैग्नेटिक फील्ड को एरिया को और नंबर ऑफ टर्न्स को आपको पता है डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है अगर वो बड़ी हो तो भी आपका होल आंसर जो है वो स्मॉल हो जाता है तो सी टू मेक दिस सी ओवर बी ए एंड स्मॉल आपकी ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ सके तो इसको स्मॉल करने के लिए या तो आप सी को स्मॉल करेंगे या आप बी ए और एन को लार्ज करेंगे दोनों सूरतों में आपकी ये जो रेशो है सी ओवर बी a ए एन ये क्या हो जाएगी ये स्मॉल वैल्यू देगी और आपके पास ज्यादा डिफ्लेक्शन आ सकती है फॉर अ गिवन करंट ठीक है तो ये चीज हम इधर देख रहे हैं कि दस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द किलोमीटर सी में भी डिक्रीज जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी को आप डिक्रीज करें या फिर बी ए और एन को जो है वो इंक्रीज करें द कपल सी जिसको आपने कपल कहते थे ना सी को फॉर द यूनिट ट्विस्ट ऑफ़ द सस्पेंशन सस्पेंशन वायर कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ एंड बाय डिक्रीजिंग इट्स डायमीटर अब उन्होंने आपको तरीका बता दिया कि सी को आप कैसे डिक्रीज कर सकते हैं सी को डिक्रीज करने का ये तरीका है कि आप uh, वो जो बी ओवर ताकि सेंसिटिविटी इंक्रीज सके सी को डिक्रीज करने का ये तरीका है कि आप लेंथ को इंक्रीज कर दें यानी अगर आप सी को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें और उसकी जो डायामीटर है उसको क्या कर दें डायामीटर डायमीटर uh, को डिक्रीज़ कर दें ठीक है तो लेंथ को इंक्रीज़ करा सकते हैं और डायमीटर को डिक्रीज़ करा सकते हैं दोनों सूरतों में आपकी जो सी है वो स्मॉल हो जाएगी दिस प्रोसेस फॉर एवर कैन नॉट बी टेकन टू फॉर एज अ सस्पेंशन मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट द कॉयल लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करें और डायमीटर को डिक्रीज करें तो वो सस्पेंशन वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो मसला ये हो जाएगा कि आपको चाहिए कि जो कॉयल है वो सस्पेंशन यानी उसकी स्ट्रांग सस्पेंशन हो अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी सस्पेंशन तो वो तो टूट जाएगा ना कॉयल नीचे गिर जाएगा सस्पेंशन उसकी यानी जिससे वो लटका हुआ है कॉयल उसको स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करके डायमीटर को डिक्रीज करेंगे सी को स्मॉल करने के लिए तो उससे उसके सस्पेंशन पर फर्क पड़ जाएगा ये भी हो सकता है कि कॉयल टूट जाए यानी गिर जाए नीचे उस सस्पेंशन से टूट के तो हम ऐसा नहीं चाहते तो दूसरा मेथड एनदर मेथड टू इंक्रीज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लवानोमीटर इज़ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्रीज करा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉल जो है वो इंक्रीज करने से भी आपका मसला ये होगा कि उनको भी आप एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उससे भी जो वजन है उसके ऊपर कॉयल के ऊपर वो बढ़ेगा और वो उस तरह से भी वो टूट सकता है क्योंकि जितना वजन आप उसके ऊपर डालेंगे तो वो जो लटका हुआ है कॉयल है वो मे भी टूट जाए सस्पेंशन से ठीक है ना तो आप एक ख़ास तादाद से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज नहीं कर सकते वरना कॉयल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और तब भी ये मसला हो जाएगा कि कहीं वो टूट ना जाए गिर ना जाए टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ सेंसिटिविटी इन केस फ्यूअर टर्न्स आर यूज्ड इन द कॉयल इसीलिए फिर uh, कम to टर्न्स जो है हम वो इस्तेमाल करते हैं कॉयल में वो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ़ द मैग्नेटिक फील्ड एम्प्लॉयड हम मैग्नेटिक फील्ड बी को इंक्रीज़ करा सकते हैं हमने कहा था ना बी को भी इंक्रीज़ करा सकते हैं ए को भी एन को एन को तो आप एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करा सकते ना ही सी को एक खास वैल्यू से ज्यादा डिक्रीज करा सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि अगर सी को डिक्रीज कराना है तो आपको डिक्रीज uh, कराना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा डायमीटर को उससे भी सस्पेंशन के ऊपर फर्क पड़ जाएगा सस्पेंशन में भी वो है वो सस्पेंशन से ब्रेकडाउन हो जाए कॉयल इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप एक खास वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उससे भी ये मसला हो सकता है कि वो टूट जाए कॉयल जो है वो सस्पेंशन से टूट जाए तो दो चीज़ें रहेगी बाकी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया इसको आपने कैसे करना है मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को वो इंक्रीज करा सकते हैं वही डिफाइन सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गलवेनोमीटर एज द करंट इन माइक्रो एम्पियर्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस वन मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल प्लेस्ड वन मीटर अवे फ्रॉम द मिरर ऑफ द गलवेनोमीटर तो ज़्यादातर जो करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं एज अ करंट ये उसकी डेफिनेशन है आप इसको करंट सेंसिटिविटी की कि वट इज करंट सेंसिटिविटी तो ये आप यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वट इज करंट सेंसिटिविटी तो वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द करोनामीटर यहाँ से एज द करंट करंट सेंसिटिविटी इज द करंट इन माइक्रो माइक्रोम्पेयर बेसिकली ये करंट होती है माइक्रो माइक्रोम्पेयर में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होती है रिक्वायर्ड टू तो प्रोड्यूस जो कि जरूरी होती है वन मिलीमीटर डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस कराने के लिए दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी कि माइक्रो एम्पियर्स की करंट अगर रिक्वायर्ड है वन मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए स्केल के ऊपर जो कि एक मीटर अवे ये जो लैम्प स्केल अरेंजमेंट में आपने एक मीटर अवे रखा हुआ था ना गलवाना मीटर से उसको तो इस स्केल के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वन मिलीमीटर की डिफ्लेक्शन आए तो आप माइक्रो एम्पेयर की करंट उसमें से फ्लो कराएंगे तो उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ ये जो सी ओवर बी एन की खासतौर पे बात है ना कि हाउ वी कैन इंक्रीज द डिफ्लेक्शन थीटा को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग सी ओवर बी एन ये एमसीक्यूज में भी ये बातें आई थी एक दफा और एक दफा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पास प्रीवियस पेपर्स में आई थी इसलिए आपने इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से करना है कि किस तरह से डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करा जा सकता है सी को डिक्रीज करा के या बी ए और एन को इंक्रीज करा के ताकि ये होल रेशो सी ओवर बी एन जो है वो कैसी हो जाए हम इस, इसको सेंसिटिव बनाने के लिए इस होल रेशो को क्या बनाना चाहते हैं स्मॉल करना चाहते हैं ना ये होल रेशो स्मॉल उसी सूरत में होती है जब सी स्मॉल हो लेकिन सी को आपने कहा सर्टन सर्टन वैल्यू से ज्यादा स्मॉल नहीं करा सकते ना ही नंबर ऑफ टर्न को एक सर्टन वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज करा सकते हैं तो पीछे रह गया एरिया एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन एरिया इंक्रीज करने से भी वही मसला होगा जो कि आप सी को डिक्रीज करने से होगा क्योंकि लेंथ को अगर आप इंक्रीज करेंगे और डायमीटर को डिक्रीज करेंगे तो उससे भी एरिया पे मसला पड़ेगा अगर एरिया अगर आप इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो भी कॉयल हैवी हो जाएगा और ब्रेकडाउन होने का खतरा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है एक अकेली ऐसी टर्म जिससे आप इसको ज्यादातर यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो बाहर लगी हुई ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जितना मर्जी बढ़ा लें उस तो जितनी ज्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे यानी अगर आपके पास वन टेस्ला थी तो आप टू टेस्ला कर दें फाइव टेस्ला कर दें उसको इंक्रीज करने से ये जो सारी टर्म है सी ओवर बी एन ये स्मॉल हो जाएगी और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा यानी उसका कोई वो हमारे पास कोई आ, नुकसान भी नहीं होगा ठीक है तो ये जो है तो वहाँ उससे आप करंट सेंसिटिविटी जो है जब ये टर्म स्मॉल हो जाएगी होल टर्म तो उससे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और ये करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कर दिया कि करंट सेंसिटिविटी क्या है कि अगर माइक्रो एम्पेयर की करंट रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस वन मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल प्लेस्ड वन मीटर अवे फ्रॉम द गलानोमीटर तो उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं अब ये तो मैंने आपको बता दिया सेंसिटिव गलवानोमीटर या उसमें आपने करंट सेंसिटिविटी को भी पढ़ लिया ठीक है तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी जो कि सेंसिटिव गलवेनोमीटर के लिए आपने पढ़ा है उसके बाद आ जाए दूसरी तरह का जब हमने मैंने कहा था कि आगे हम बताएंगे पहले इस करंट सेंसिटिविटी को जरा आगे लेके चलते हैं वैध करंट पासिंग थ्रू द गवानोमीटर इट इज डिसकंटिन्यूड अब नुकसान बता रहे हैं इसका वैसे तो सेंसिटिविटी अच्छी चीज है कि जिससे डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगी ठीक है हम चाहते हैं कि ग्लवानोमीटर सेंसिटिव हो ताकि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो करे तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन जो नीडल है आपकी वो लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे लेकिन उसका मसला भी है अब वो मसला ये है कि जब करंट पास करती है इस तरह के सेंसिटिव गलवानोमीटर से और उसके बाद उसको आप डिसकन्टीन्यूड यानी करंट को स्टॉप कराते हैं तो कॉयल विल नॉट कम टू तो रेस्ट एज सुन एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल इज स्टॉप तो एकदम से ये जो इसका लाइट अल्मोनियम का पॉइंटर है ना वो एकदम या जो जो कॉयल रोटेट कर रहा था ये जो आपका ये वाला मूविंग कॉयल गलवानोमीटर है अगर आप उसमें देखें तो ये जो कॉयल है ये एकदम से स्टॉप नहीं हो जाता क्योंकि वो सेंसिटिव होता है ना स्मॉल करंट के लिए भी तो जब करंट पास करती है तो करंट को रोका जाता है तो वो एकदम से कॉयल दोबारा रेस्ट पे नहीं आता और वो आपको फॉल्स रीडिंग्स देता है तो वो हमें नहीं चाहिए इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजिशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट और वो ऑसिलेट करता रहता है हालांकि आपने करंट स्टॉप भी करा दी है लेकिन वो इतना सेंसिटिव बन चुका है कि वो फिर भी उसकी रोटेशन जो है वो होती रहेगी उस मूविंग कॉयल गलवर्नोमीटर के अंदर जो कॉयल की रोटेशन होने की वजह से या पॉइंटर जो है वो मूव करता रहेगा Uh, इस टाइप uh, गोमीटर में तो इसकी वजह से क्या होगा फॉल्स रीडिंग्स आपको मिलती हैं तो इससे इन द सेम वे ऑफ द करंट इज एस्टैब्लिश सडनली इन अ गलवेमीटर दैट द कॉयल विल शूट बियॉन्ड इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड विल ऑसिलेट सेवरल टाइम्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट और रेस्ट पे आने से पहले वो काफी दफा जो है वो ऐसे उसकी नीडल जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट तो जिसकी वजह से मसला प्रोड्यूस होगा यानी आपकी फॉल्स रीडिंग्स आने का खतरा होता है तो ये सेंसिटिविटी का एक थोड़ा सा नुकसान भी हमें है कि वैसे तो हमें अच्छी डिफ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए गलवानोमीटर को लेकिन अगर आप करंट को स्टॉप कराते हैं तो फिर वो एकदम से उसका कॉयल या उसकी नीडल स्टॉप नहीं होती जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको फॉल्स रीडिंग्स मिलेंगी और बिफोर कमिंग टू इट्स इकुलब्रियम पोजिशन एज इट इज अनोइंग और फिर ये आपके लिए अनोइंग होगा एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आप वेट करें कि कॉयल जो है वो रेस्ट पे आए दोबारा और आर्टिफिशल आर्टिफिशियल वेज आर एम्प्लायड टू मेक द कोयल कम टू रेस्ट क्विकली और फिर मुख्तफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कॉयल को रोकने के लिए आर्टिफिशियल वेज क्योंकि आप फिर इतना वेट तो नहीं कर सकते ना कि आप इंतज़ार करें कि कॉयल कब जो है हालाँकि करंट तो आपने स्टॉप करा दी लेकिन कॉयल अभी तक स्टॉप नहीं कर रहा वो ऐसे वाइब्रेट करता जा रहा है तो उसको स्टॉप कराने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं सच गो अब ये आ गया स्टेबल और डेट बीट का की डेफिनेशन आ गई क्योंकि इस तरह के ग्लवेनोमीटर क्यों चाहिए होते सच ग्लवानोमीटर इन विच द कॉयल कम्स टू रेस्ट क्विकली आफ्टर द करंट पास थ्रू इट और द करंट इज स्टॉप्ड फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड स्टेबल और अ डेट बीट क्लवानोमीटर तो फिर ऐसी सूरत हाल में सेंसिटिव ग्लवानोमीटर से ज्यादा हम स्टेबल या डेट बीट क्लवेनोमीटर जो मैंने आपको पीछे दो पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें दूसरा जो था वो डेड बीट या स्टेबल ग्लवेनोमीटर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसा ऐसा ग्लवेनोमीटर जब कॉयल फोर एंड रेस्ट पे आ जाए आफ्टर द करंट पासिंग थ्रू इट और द करंट जैसे ही करंट जब पास करती है और आप उसको स्टॉप करा देते हैं तो जो डेट पीड या स्टेबल कल्बेनोमीटर है उसकी ये करैक्टरिस्टिक होती है कि उसकी नीडल या जो कॉयल है वो फोर एंड रेस्ट पे आ जाते हैं वो भी यानी स्टॉप हो जाते हैं करंट के साथ साथ तो ये इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है स्टेबल और डेट बीट का भी फायदा होता है किसी जगह पर कि करंट जब तक पास करे तब तक तो कॉयल और नीडल रोटेट करे लेकिन जैसे ही करंट स्टॉप हो तो वो स्टॉप भी हो जाए तो उस सूरत हाल में फिर स्टेबल या डेट बीट कल्वेनोमीटर जो है वो आप यूज़ करते हैं आई होप इन स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट्स जो है हमने आज पढ़े हैं गलवानोमीटर का टॉपिक ये इस लिहाज से अब पास्ट पेपर्स में आया हुआ है आपने इसको अच्छे तरीके से हेडिंग्स के साथ जैसे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया आपने सबसे पहले इसकी देखें स्यूमराइज कर लें इसकी डेफिनेशन देखी डेफिनेशन के बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा वर्किंग प्रिंसिपल के बाद आपने ये डायग्राम बनानी है दिस इज द डायग्राम ऑफ मूविंग कायल गल ये इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की हेडिंग के अंदर आ जाएगा मूविंग कायल गलवानोमीटर के साथ हमने दो तरह के टॉक्स पढ़े डिफ्लेक्शन टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वहां से आप उसकी करंट विच इज़ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा वो कैलकुलेट कर सकते थे उसके लिए हमने कहा था अगर आपको ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए यानी अच्छा करंट के डिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो उसके लिए हमने कहा था कि ये जो टर्म्स के ओवर बी एन कॉन्स्टेंट टर्म है इसको स्मॉल करना है आ, इसको भी हमने आगे स्मॉल करके देखा आ, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था एक और तरह का ये मूविंग कॉयल कल था हमने फिर दो तरह के मेथड्स पढ़े कि जिन दो मैथड से आप जो रिफ्लेक्शन थीटा को किन दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली ये जो थीटा था एक हमने कहा लैमपैंड स्केल अरेंजमेंट और दूसरा पीविटिड टाइप गलवेनोमीटर दोनों में हमने देखा जो आजकल यूज़ होता है वो पीविटिड टाइप गलवेनोमीटर यूज़ होता है इन दोनों अरेंजमेंट से आपने देखा कि किस तरह से थीटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बाद मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए कि जो सेंसिटिविटी के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन थीटा को कैलकुलेट कर सकें इजीली विद द हेल्प ऑफ करंट तो उसके लिए जो टर्म आपने स्मॉल बनानी थी सेंसिटिविटी इंक्रीज कराने के लिए तो ये सेंसिटिव गलवेनोमीटर होता है और दूसरा होता है डेट पीट और स्टेबल गलवेनोमीटर तो सेंसिटिव गलवेनोमीटर के बारे में हमने पढ़ा और करंट सेंसिटिविटी क्या होती है उसको डिफाइन किया कि किस तरह से आप ग्वेनोमीटर को सेंसिटिव बना सकते हैं लेकिन फिर उसका मसला क्या प्रोड्यूस हो जाता है यानी क्या डिमेरिट्स हैं उसके क्या नुकसान हो जाता है नुकसान ये होता था कि वो पॉइंटर कंटिन्यूसली ऐसे वाइब्रेट करता रहता था इवन द करंट इज स्टॉप्ड अगर वो स्टॉप भी हो जाती थी फिर भी वो पॉइंटर रोटेट करता था आपको वेट करना पड़ता था तो उसके लिए फिर दूसरी तरह का ग्लवेनोमीटर यानी डेट बीट और स्टेबल ग्लवानोमीटर जो है वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता था और उसकी डेफिनेशन भी हमने इधर नेक्स्ट पेज पर पड़ी थी कि व्हाट इज़ स्टेबल और डेट बीट कलवानोमीटर वो मैंने आपको मार्क करवा दी कि सच किलवानोमीटर इन विच द कॉयल कम्स टू रेस्ट आफ्टर जब जैसे एक करंट पास करती है और जब स्टॉप कराई जाती है तो साथ ही वो भी स्टॉप हो जाता है उसकी नीडल या उसका जो रोटेटिंग कॉयल है तो वो उसका स्टेबल और डेट बीट क्लवानोमीटर तो आपने इसी तरह इनको दोनों को पॉइंट्स बना के लिखना है जिनकी हेडिंग्स बनवाई है उनकी हेडिंग्स बना के लिखना है और इन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इसके फाइव मार्क्स कंप्लीट फुल मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है फिर भी कोई मसला हो कोई बात समझ में ना आई हो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और अगर बेलन uh, प्रेस नहीं किया तो आप बेलाइकन भी प्रेस कर सकते हैं फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन दैट्स इफ यू रियली लाइक माई लेक्चर टेक केयर हाफिज